गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सुष्मिताज लील वर्ल्ड। आज इस ब्लॉग का शुरुआत हम कर रहे हैं मॉर्निंग का टी से। देखिए दोस्तों, हम और मेरे पापा दोनों बैठ के टी पी रहे हैं और इधर न्यूज़ भी चल रहा है टीवी में। शायद सुबह का 7:30 बज रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आप लोगों को मेरे गार्डन का कुछ पौधा। ये हम लोग का घर के सामने हम लोग लगाए हैं। इसको हम लोग बंगाली में सवेदा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, चीकू बोलते हैं शायद। बहुत हुआ है, देखिए पूरा एकदम भर्ती हो गया है। उसके पास में एक अमरूद का पेड़ भी है, अभी छोटा छोटा अमरूद हुआ है, लेकिन इसमें बहुत फ्रूट हुआ है, पूरा भर्ती। ये साल में 2 बार होता है और इतना मीठा इसका टेस्ट है। देखिए पूरा भर्ती हुआ एकदम। देखिए दोस्तों, ये मेरे घर के सामने ऐसा पौधा हम लोग लगाए हैं। और ये जो रेड कलर का फूल दिख रहा है, इसको हम लोग कांचन फूल बोलते हैं। ये दिसंबर जनवरी में ही होता है, अभी 1-2 ही फूटा है, इसके बाद पूरा एकदम भर्ती हो जाएगा। पूरा जो पौधा है पूरा रेड हो जाएगा। और ये कुछ सो प्लांट्स है, मेरे हस्बैंड, हम, मेरे पापा, हम लोग बहुत ही पौधा के शौकीन हैं। हम लोग बहुत पौधा लगाते हैं और पहले और भी ज़्यादा, हम छत पर 300-400 सीज़न, हर सीज़न का फ्लावर होता था, लेकिन अभी सब बंद कर दिए हैं क्योंकि बीच बीच में बेटे के पास चला जाना पड़ता है, तो मुश्किल हो जाता है पौधा में पानी देना, फिर जो उसका सार है वो सब देना, इसलिए सब बंद कर दिए हैं। कुछ थोड़ा बहुत है। ये पीछे में कुछ सो प्लांट्स है और कुछ बेली फूल, ये भी सो प्लांट्स है। ऊपर में ये एलोवेरा है और इधर कुछ नींबू का पौधा है। देखिए इसमें नींबू हुआ है, बहुत होता है, अभी थोड़ा कम गया है। मैंने पूरा साल हम लोग नींबू खरीदना नहीं पड़ता, इतना नींबू होता है। 3 पौधा है उसमें भर्ती नींबू, बहुत ही पुराना सब ये सब पौधा है, मतलब 10 साल तो इन पौधों का उम्र हुआ होगा। ये देखिए दोस्तों, अभी बहुत कम है, इसके बाद फिर फूल आएगा इसमें पौधे में। देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ पालंग का ये दोस्तों बीज लगाए थे, तो उससे ये पालंग का पौधा, पालंग का बीज हम लगाए थे। ये है, ये बोगनवेलिया है। कुछ पौधा है, पहले तो बहुत था, 300-400 टॉप था, अभी तो सब खत्म हो गया। इस साल इतना नहीं लगाए हैं क्योंकि बीच बीच में हमें बेटे के पास चला जाना पड़ता है, तो इसलिए हम पौधा एकदम सीजनल फ्लावर जो है वो बिल्कुल नहीं लगाए हैं। ये कुछ मिर्ची का बीज हम लगाए थे, उससे छोटा छोटा पौधा निकला है। इसको देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं चाइनीज बट, बट का जो पौधा होता है इसको चाइनीज बट बोलते हैं। और ये तो धुतरा का पौधा है, इसमें ऑरेंज कलर का फ्लावर होता है।
बहुत ही कम अभी पौधा है। देखिए तो सब गमला सब खाली पड़ा हुआ है। इस साल हम बिल्कुल सीजनल जो फ्लावर है वो नहीं लगाए हैं। ये एक सफ़ेद सफ़ेद कलर का फूल होता है, पता नहीं क्या है। ये सब बुगेनविलिया है। ये एक शो प्लांट है, देखिए इंडोर प्लांट है, बहुत सुंदर है। कुछ गेंदा का हम लोग लगाए हैं अभी, इसमें थोड़ा छोटा छोटा कड़ी आया है, अब फूटेगा। ये कोई फ्रूट्स का पौधा है, ये इसको हम लोग गुलाब जाम बोलते हैं। छोटा छोटा वाइट वाइट कलर का होता है ये। आम का पेड़ जितना बड़ा होता है वैसे ये भी उतना ही बड़ा होता है। हम लोग इसको गुलाब जाम जो फ्रूट होता है उसको हम लोग खा कर उसका बीज को हम लोग इसमें गमला में लगाए थे, तो उससे ये पौधा हुआ है। वो खाने में पूरा एकदम जैसे लगेगा कि हम लोग गुलाब का फूल खा रहे हैं, गुलाब का पंखुड़ी खा रहे हैं। गुलाब का पंखुड़ी खाने से जैसा टेस्ट लगता है, ये फ्लावर ये फ्रूट्स भी वैसा ही टेस्ट है, इसलिए इसको गुलाब जाम बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, छत से हमारे एरिया का व्यू देखिए, मेरे एच बी टाउन जहाँ हम रहते हैं उसका व्यू देखिए। पीछे देखिए नारियल का पौधा पेड़ है, पहले तो बहुत ज़्यादा था लेकिन अभी तो बड़ा बड़ा सब फ्लैट हो गया, बिल्डिंग हो गया है तो सब काट दिया है, लेकिन पहले बहुत ही नारियल का पेड़ यहाँ था और बहुत ही अच्छा लगता था देखने में। पापा भी हैं छत पर, देखिए पूरा चारों तरफ से बिल्डिंग बिल्डिंग खाली आपको दिखाई देगा, चारों तरफ पूरा फ्लैट भर्ती हो गया है। हम दोपहर में छत पर चढ़े हैं क्योंकि घर में बहुत ही ठंडा लगता है, इसलिए छत पर धूप के लिए पूरा छत पर हम और पापा आए हैं। हम आपको वहाँ से छत से आपको पूरा व्यू दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा मंदिर भगवान का। इस भगवान के मंदिर दिन का दर्शन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। दोस्तों आप लोग जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क अवश्य ही पहने, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।